Welcome to Best Notes Tutorial, and in this video we are going to talk about Renaissance criticism. So as you can see here, today we will be talking about this topic. But before starting this topic, let me tell you that on this channel I have already uploaded 6 parts of literary criticism, and you all people loved it, so thank you so much for your response. So if you are new to this channel, you can go back to channel's video section and you can check those all 6 parts there. So we started all this, and here are the topics you can see. So today we will be talking about, you know, Gossin's attack on poetry, and this is the part where you should understand, or you must understand, what Gossin has to say about poetry and what Puritans has to say about poetry. Here, an apology for poetry, we will be doing a discussion over this work, because to understand Renaissance criticism, this work, An Apology for Poetry, this work is the most important work to understand. So before further ado, let's start this topic. So here we are, Renaissance criticism, Sir Philip Sidney and his work An Apology for Poetry. When we are writing the topics in this way, let me tell you that we remember, you know, the names of the topics and names of the writers easily. जब भी हम इस तरह से टॉपिक का नाम लिखते हैं, जैसे रेनेसा क्रिटिसिज्म, सर फिलिप सिडनी एंड अपॉलजी फॉर पोइट्री, तो ये नोट्स बनाने का एक तरीका भी है, ठीक है। अब ये स्मार्ट तरीका इसलिए है कि जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपने लिखा है कि रेनेसा क्रिटिसिज्म, सर फिलिप सिडनी, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि जो सर फिलिप सिडनी है वो कौन से टाइम पीरियड में थे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि एन अपॉलजी फॉर पोइट्री किसने लिखी है, गॉट इट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक ही साथ, आपने बार बार, जैसे ये नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं, रेनेसा क्रिटिसिज्म, सर फिलिप सिडनी, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं साइकोलॉजिकली, आप ये ध्यान रखें कि आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे रेनेसा क्रिटिसिज्म, एक चीज़ याद हो गई आपको कि सर फिलिप सिडनी किस में थे, रेनेसा के टाइम में थे। दूसरी चीज़, ये उनकी बुक है अपॉलजी फॉर पोइट्री, और अपॉलजी फॉर पोइट्री किसने लिखी है, सर फिलिप सिडनी ने लिखी है, गॉट इट। तो ये एक तरीका है, आप भी जब अपने नोट्स बनाएं तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स अपनाने की कोशिश कीजिए। ये डायरेक्टली मैं ऐसा भी लिख सकता था, इसे रेनेसा क्रिटिसिज्म, और फिर इसके नीचे टोटल जो चीज़ें हैं उनको भी लिख सकता था, बट मैंने थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज़ करने की कोशिश की, तो आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें वहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए, उसके सामने लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने देखा कि 16th सेंचुरी के आसपास की बात है, सो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 16th सेंचुरी द नीड ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द पोइट्री वॉज वाइडली फेल्ट। सो ये 16th सेंचुरी का टाइम था, लास्ट क्वार्टर का टाइम था, जबकि लोगों को लगा कि पोइट्री का फंक्शन और नेचर क्या होना चाहिए, इसको हमें फिक्स कर देना चाहिए। मीन्स हमें समझ में आना चाहिए कि नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या होती है, और जब हम इस चीज़ पर वर्क करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यही चीज़ क्या होती है, क्रिटिसिज्म होती है। 2-3 राइटर बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या होती है। सो इट वॉज 16th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। सो कन्फ्यूजन वॉज देयर। कन्फ्यूजन किस चीज़ का था वहाँ पर? कन्फ्यूजन था मीडिएवल व्यूज़ को हम लें, जो मीडिएवल व्यू था, पोइट्री एज अ मेयर टॉय और अ सीरीज ऑफ आर्ट। जो मीडिएवल व्यू था वो क्या था? पोइट्री एज अ मेयर टॉय, ये क्या है? एक सिर्फ एक टॉय है और ये एक सीरियस आर्ट है। तो ये हमारा एक कन्फ्यूजन था उस टाइम पे सभी लोगों के मन में, कि हम पोइट्री को किस पार्ट में रखें, एक सीरियस आर्ट मान के चलें या उसको टॉय मान के चलें। पब्लिकेशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी जो था आपका, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, पब्लिकेशन ऑफ टोटल्स मिसलेनी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ वॉइट एंड सरे, तो ये आपका टोटल्स मिसलेनी और इसी को सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ वॉइट एंड सरे, मोटिवेटेड पोइट्स एंड ब्रॉट अ फ्लड ऑफ पोइट्स इन इंग्लैंड। तो जब ये आया था आपका, ये वर्क पब्लिश हुआ था, तो उसके साथ में बहुत सारे पोइट्स क्या होने शुरू हो गए थे, इंग्लैंड में आने शुरू हो गए थे। सो दे नीडेड अ थ्योरी एज वेल, तो उनका जो फोकस हो गया वो ये भी था कि जो पोइट्री होनी चाहिए
कैसी होनी चाहिए, उसका नेचर और फंक्शन वो डिस्कस करना शुरू हो गए। एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, अब हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इनके बारे में बात की है, फिर से कहूँगा अगर आप लोगों ने इसे नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक एक लाइन बनेगी तो आपको ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी। स्टार्टेड अ डिस्कशन ओवर पोइट्री इन इटली एंड फ्रांस, और जो एरिस्टोटल्स की पोइटिक्स था, जो वर्क पोइटिक्स था, उसने क्या किया, जो इटली और फ्रांस था उसमें एक डिस्कशन शुरू कर दिया था पोइट्री के बारे में। इंग्लैंड कुडंट रिमेन अनटच्ड, और बाद में अगर हम बात करें तो जो इंग्लैंड था उसमें भी इसका इम्पैक्ट आया। हॉस्टिलिटी ऑफ प्यूरिटन्स, जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने पोइट्री को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था, या उसको उन्होंने एक चैलेंज उन्होंने उसके लिए एक पोस्ट किया था। सो प्यूरिटन्स पोस्ट अ चैलेंज टू स्टेटस ऑफ पोइट्री एंड इट्स वैल्यू, और उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हम अब बात करें प्यूरिटन्स के, तो दिमाग में आपके ये भी याद हो जाना चाहिए कि प्यूरिटन्स किसके अगेंस्ट थे, पोइट्री के अगेंस्ट थे। देयर वर रिप्लाइज एंड काउंटर रिप्लाइज, तो हुआ ये कि प्यूरिटन्स ने पोइट्री को क्या किया, चैलेंज किया, उसके बारे में लिखा कि ये एक वैल्यूएबल आर्ट नहीं है, तो उसके क्या हुए, कुछ रिप्लाइज आए। तो पहला अगर हम बात करें कि जो इम्पॉर्टेंट है समझना या बहुत बार पूछा जाता है, वो था आपका स्टीफन गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़। तो स्टीफन गॉसन ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज़, और उसमें उसने पोइट्री को क्या कर दिया था, बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया था। उसके बाद था सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो स्कूल ऑफ अब्यूज़ जब लिखा गया था तो उसका रिप्लाई किसी न किसी ने तो करना था, तो वहाँ पर थे आपके सिडनी, और सिडनी ने इसका रिप्लाई लिखा था, और उन्होंने प्रूफ किया था कि अपने जो उन्होंने थॉट दिए थे कि डिफेंस ऑफ पोइट्री, मतलब कि पोइट्री के लिए उन्होंने डिफेंस किया था कहीं ना कहीं, और उन्होंने कहा था कि पोइट्री ज़रूरी है। अब अगर हम गॉसन की बात करें कि गॉसन ने कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखी थी, सो गॉसन्स अटैक ऑन पोइट्री, उन्होंने पोइट्री पर अटैक किया है। पोइट्स को उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पाइप एंड जेस्टर्स। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे पाइप एंड जेस्टर्स किसने कहा था, तो वो था आपका गॉसन के अटैक ऑन पोइट्री इस वर्क में उन्होंने कहा था। उन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया था कैटर पिलर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, और लास्ट में एक और अगर आप याद रखेंगे तो वो है आपका एनिमीज टू वर्च्यू। तो कुछ चीज़ें उन्होंने कही, पोइट्स को क्या क्या माना उन्होंने, उन्होंने कहा पाइप एंड जेस्टर्स, दूसरा कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, और थर्ड उन्होंने कहा था एनिमीज टू वर्च्यू। डायरेक्ट नोट्स अगर आप कभी बनाओ तो उसमें बहुत सारा आपका मीन्स जो की वर्ड्स हैं वो आपके आंखों के सामने होने चाहिए। जब नोट्स के की वर्ड्स आपके आंखों के सामने बार बार आएंगे तब आपको डेफिनेटली ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, उन्होंने म्यूज़िक के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था डेबिलिटेटिंग एंड अंडरमाइंस वर्च्यू, वो जो वर्च्यू है उसको क्या करता है, कम करता है। दूसरा है, उन्होंने ड्रामा के बारे में क्या कहा था, इज़ इंसाइटमेंट टू पॉपुलर डिबॉचरी, उन्होंने कहा था कि ये जो गलत आदतें हैं उसको क्या किया जाए, क्या करता है, इंसाइट करता है। मेल प्लेड फीमेल पार्ट्स, अब उन्होंने कहा कि जो मेल हैं वो क्या करते हैं, फीमेल पार्ट्स प्ले करते थे। तो हम कब की बात कर रहे हैं, रेनेसा की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या करते थे कि जो मेल होते थे उन्हीं को फीमेल पार्ट्स भी क्या करने होते थे, प्ले करने होते थे। अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, और ये बात क्या है, लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, दिस मेक्स मेल इफेमिनेट, तो वो क्या करते हैं कि जो मेल हैं उनके अंदर फेमाइन जो हैं चीज़ों को हम कहें कि फीमेल जो क्वालिटीज़ हैं उनको लाने की एक तरह से एक तरह का रास्ता बनता है। अगर हम क्या करेंगे, बार बार जो मेल है वो एक्ट करेंगे फीमेल के पार्ट को, तो क्या बन जाएंगे, वो फीमेल की तरह बन जाएंगे या बन जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कौन कह रहा है, गॉसन्स कह रहा है अपने अटैक ऑन पोइट्री में। कब कह रहे हैं, 16th century में कह रहे हैं, जब रेनेसा का टाइम था। और उन्होंने कहा, अब ट्रेजडी के बारे में उन्होंने क्या कहा, ट्रेजडी के बारे में उन्होंने कहा पैक्ड विद एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी, और ट्रेजडी इसलिए बंद हो जानी चाहिए क्योंकि उसमें क्रुएल्टी को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। उसके बाद आता है कॉमेडीज़, कॉमेडीज़ के बारे में उन्होंने क्या कहा था, लेट्स सी दैट, इसको देखते हैं कि कॉमेडी के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे। डील विद लव अफेयर्स अ वल्गर डिग्रेडिंग काइंड, अब उनका कहने का मतलब था जो कॉमेडीज़ हैं उस टाइम की उसमें लव अफेयर्स दिखाए जाते थे, और उन लव अफेयर्स को
मतलब एक तरह से वो वल्गर और डिग्रेडिंग काइंड के थे. सो इट इवोक्स फूलिश लाफ्टर. और ये क्या होता है कि हमें जो एक बेवकूफ़ों की तरह हम लोग वहाँ पर हंसते हैं. ये कहने का मतलब था गॉसन का. अगेन आई विल टेल यू दैट 16. तो अब ये भी एक तरीका है आपका नोट्स बनाने का या नोट्स को रीड करने का, कि जब आप 16 16 16 बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गॉसन है उससे रिलेटेड क्या है, कोई वर्ड है 16. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको पता चल जाएगा 16 सेंचुरी के अराउंड की बात हो रही है. अब जो गॉसन ने जितनी बातें कही हैं, चाहे वो पोइट्री के बारे में बात कही, चाहे वो कॉमेडीज़ के बारे में बात कही, ड्रामा के बारे में, ट्रेजडीज के बारे में, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें जो है ये लिटरेचर है, ये बेकार की चीज़ें हैं. तो उसके बाद आए आपके सिडनी और उन्होंने लिखा है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, और इसे ही द डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहा जाता है और अपॉलजी फॉर पोइट्री भी कहा जाता है. इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि जो गॉसन थे एक्चुअल में उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल के एग्जाम्पल दिए थे और फिर अपनी बात को रखने की कोशिश की थी वहाँ पे. तो फिर जो सिडनी थे उन्होंने भी जो एग्जाम्पल लिए थे वो प्लेटो और एरिस्टोटल से ही लिए थे. सो ही टुक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड ही टॉक्ड अबाउट मिमेसिस एंड लाइक पोएट्री वॉज वर्थलेस एंड ही लाइक गॉसन ने जो कहा था एंड ही टॉक्ड अबाउट यू नो मिमेसिस. अगर आपको मिमेसिस नहीं पता है तो आप जाके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका आइडिया बिल्कुल. काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन पोइट्री को कहा गया था. किसने कहा था ये सारी बातें किसने कही थी कि वर्थलेस है, ये आपको गॉसन ने कहा था. ठीक है, और हाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूंगा कि जब आप खुद भी घर पे पढ़ते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी टॉपिक, खुद से क्वेश्चंस पूछते रहिए. जैसे मैं आपको अभी तो वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट मैं खुद क्या करता हूँ या क्या करता था कि तैयारी करते हुए ये सारी चीज़ें करता हूँ कि खुद ही डिस्कशन करता हूँ. ये जितने नोट्स आप लोग देख रहे हैं ये तो फाइनल स्टेज है जहाँ पे कि मैंने इनको बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया है, लेकिन एक पेज में मैं यूजुअली क्या करूँगा कि बताने की कोशिश करूँगा एक एक अलग वीडियो बनाकर, लेकिन डिस्कशन करूँगा और फिर उसे एक पेज पे लिखने की कोशिश करूँगा. जैसे अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिख लूँगा, फिर पोइट्री के बारे में लिखूंगा कि किस चीज़ के बारे में डिस्कशन था, किस चीज़ को उन्होंने कहा. उन्होंने कहा ये मिमेसिस है, टोटली वर्थलेस है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, अब यही सारे व्यूज़ किसके थे, प्लेटो के थे. अगर आपको नहीं पता, अगेन आई विल टेल यू दैट जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जिन्होंने देख लिया उन्हें समझ में आ रहा होगा. रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ अब्यूज, ये हम देख चुके हैं कि जो ये वर्क था आपका एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये बेसिकली स्टीफन गॉसन का जो वर्क था दी स्कूल ऑफ अब्यूज, उसका क्या था रिस्पॉन्स था. तो अब हम जो स्कूल ऑफ अब्यूज़ हैं, इस वर्ड को अभी तक मैंने लगता है मुझे कि 15 टाइम हम मैं बोल चुका हूँगा. तो क्या होता है कि ये जो रिपीटिशन है बोलने में, जो आप खुद से डिस्कशन करेंगे, एक पेज उठाइए बोलिए बार बार खुद से बोलिए कि अच्छा ये स्टीफन गॉसन्स का जो वर्क था दी स्कूल ऑफ अब्यूज, तो हम उसे नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो साइकोलॉजिकली वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं. जैसे कि हम कभी अपने घर का रास्ता नहीं भूलते क्योंकि हम हजारों बार घर की तरफ गए हुए हैं. तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिपीटिशन इतना बढ़ा दीजिए उनका. एक टॉपिक अगर आपको याद नहीं होता है तो उसे 100 बार पढ़िए. ठीक है, स्पीड बढ़ा दीजिए, मीन्स 1 घंटे में एक टॉपिक को एक बार धीरे धीरे पढ़ने से बेटर ये है कि आप एक टॉपिक को बहुत स्पीड से 10 टाइम्स पढ़ लीजिए उसे 1 घंटे में, तो आपको ज़्यादा बेटर याद होगा. ट्रायल करके देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखना फिर कि कैसा आपको लगा. सिडनीज आर्ग्यूमेंट इज़ अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ नॉबिलिटी. और सिडनी जो ने कहा था कि जो पोइट्री है, तो पोइट्री की नॉबिलिटी पे उन्होंने कहा था कि ये एक नॉबल डीड है या नॉबल वर्क है. ट्रू पोइट्स मस्ट टीच एंड डिलाइट, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रू पोइट्स हैं, जो सच्चे पोइट्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें टीच भी करना है एंड उन्हें क्या करना है, डिलाइट भी करना है. अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि सिडनी ने एक बनाया था, अपने स्टेप बाय स्टेप बनाया था. तो उन्होंने सबसे ऊपर रखा, सबसे नीचे रखा था इलेजी, उसके बाद रखा था पेस्टोरल जो पोएम्स हैं, एंड देन ही टुक यू नो एपिक हियर. सो एपिक वॉज द बेस्ट काइंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी. सो एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि एरिस्टोटल ने सबसे बेस्ट किसको माना था, तो वो ट्रेजडी को ऊपर
रखते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट आइडियाज ऑफ हॉरिस। उन्होंने जो हॉरिस थे, हॉरिस के भी उन्होंने आइडियाज दिया था। एक पूरा ही सिंपल वीडियो बनाया मैंने, हॉरिस का जो वर्क है आर्स पोइटिका, उस पर मैंने पूरा एक वर्क बनाया है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता कि आर्स पोइटिका क्या है या आपने पहली बार इसको सुना है, तो आर्ट्स पोइटिका के लिए आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो। सिडनी एम्प्लॉयज अ नंबर ऑफ स्टडीज टू असर्ट द प्रॉपर प्लेस ऑफ पोइट्री। तो सिडनी ने बहुत सारे क्या किए थे, स्ट्रेटजीज बनाई थी, चाहे हॉरेस हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे एरिस्टोटल हो, तीनों के आइडियाज़ उन्होंने लिए और जाके अपने वर्क में डाले कि और प्रूफ करने की कोशिश की कि ये सब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोइट्री भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। उन्होंने नॉसिस की बात की। नॉसिस का जो मीनिंग है वो है आपका नॉलेज। तो कई बार यही सारी चीज़ें पूछ ली जाती है कि मिमेसिस मीन्स क्या होता है, ठीक है, कथारसिस मीन्स क्या होता है, या नॉसिस मीन्स क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है नॉलेज, ठीक। तो चलते हैं इनटू प्रॉक्सिस। ओके, हाँ, उन्होंने एक बोला था कि नॉसिस को किस में चेंज कर देता है, प्रॉक्सिस में चेंज कर देता है। कौन चेंज करेगा? पोइट्री चेंज करेगी। उन्होंने 6 पार्ट्स में उन्होंने अपनी जो वर्क है उसको लिखा था। उन 6 पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं, एग्जॉर्डियम, नरेशन, प्रोपोशियो, कन्फर्मेशन, डिग्रेशियो एंड पैरोरिटी। तो अब इसमें देखते हैं, तो जो पहला पार्ट था उनका एग्जॉर्डियम था, उसमें क्या था? उसमें था अनाउंसमेंट इंटरेस्टिंग वे। तो उन्होंने कहा था कि अनाउंसमेंट किया था पोइट्री के बारे में और बताया था कि पोइट्री क्या होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नरेशन, नरेशन में उन्होंने पोइट्स एम टू टीच एंड डिलाइट। तो यहाँ पे वो बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में कि पोइट का जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। वो होना चाहिए कि टू टीच एंड टू डिलाइट। अब आ जाते हैं प्रोपोशियो। सो यहाँ पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट, कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया? 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स के बारे में बात की है। पहला उन्होंने कहा रिलीजियस पोइट के बारे में बात की, दूसरा फिलोसॉफिकल पोइट के बारे में बात की, और तीसरा वो बात करते हैं द राइट काइंड ऑफ पोइट्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में एविडेंस दैट सपोर्ट्स आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने एविडेंस और सपोर्ट, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस दिए थे। एविडेंस के लिए 3 चीज़ें फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। प्लेटो याद रखिए, एरिस्टोटल याद रखिए, और आर्ट्स पोइटिका का जो राइटर है वो कौन है। अभी तुरंत अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है, ठीक है। डिग्रेशियो टॉक्स अबाउट पोइट्री ऑफ इस टाइम, और इसमें डिग्रेशियो में उन्होंने अपने टाइम की जो पोइट्री है उसके बारे में बात की थी। पैरोटी में क्या करते हैं, वो अपील्स पोइट्स टू मेंटेन डेकोरम, और वो कहते हैं कि पोइट्स को क्या करना चाहिए, अपना एक डेकोरम भी मेंटेन करना चाहिए। मीन्स एज अ पोइट आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देना है। रिनेसा क्रिटिसिज्म में अगर हम बात करें बेन जॉनसन की, अब पहला कौन था, सिडनी के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब बेन जॉनसन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है ओ रेयर बेन जॉनसन। जब भी आप बेन जॉनसन बोलिए उसके साथ में ये जरूर बोलिए ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। तो उनका जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है, वो क्या है, ओ रेयर बेन जॉनसन कहा गया है, लिखा गया है वहाँ पे। ट्राइब ऑफ बेन, एक अगर हम ट्राइब ऑफ बेन बोला जाता है किसको, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको ट्राइब ऑफ बेन बोला जाता है। एंड हिज फॉलोअर्स लाइक सिडनी ही हैज़ अ हाई कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, और सिडनी के जैसे ही वो भी क्या रखते थे कि पोइट्री के लिए हाई कंसेप्शन रखते थे, वो भी मानते थे कि पोइट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट एक हम कहें पीस ऑफ राइटिंग है, एंड द वोकेशन ऑफ पोइट, और पोइट का हम कहें कि एक अच्छा वोकेशन है या एक अच्छी चीज़ है लिखने के लिए या करने के लिए। अ पोइट, पोइट एज अ मेकर, तो ये एक कोटेशन है, आप लोग देख सकते हैं कि बेन जॉनसन ने लिखा है। तो उन्होंने कहाँ से लिया है ये आपका एरिस्टोटल से लिया है उन्होंने। सो अ पोइट, पोइट इज अ मेकर, और फेनर हिज आर्ट एंड आर्ट ऑफ इमिटेशन ऑफ फेनिंग एक्सप्रेसिंग द लाइक ऑफ मैन इन फिट मेजर नंबर्स एंड हार्मनी। सो इट वॉज अ मोटिवेशन ही गॉट फ्रॉम एरिस्टोटल। पोइट्री एंड पेंटिंग बोथ आर द आर्ट ऑफ इमिटेशन। उन्होंने कहा कि हाँ, जो पोइट्री और पेंटिंग है, अब आपको ध्यान आ रही होगी, जो एरिस्टोटल ने कहा था, एरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा था कि जो मिमेसिस, इस बात को कहा था कि जो पोइट्री और पेंटिंग है दोनों क्या है, मिमेसिस है। उन्होंने कहा येस दीज आर यू नो इमिटेशन। पोइट्री इज़ हाइयर फॉर्म ऑफ आर्ट देन पेंटिंग सिंस इट अपील्स टू द अंडरस्टैंडिंग, एंड पेंटिंग अपील्स प्राइमरी टू द सेंसेस।
लेकिन उन्होंने ये जो आर्ग्यूमेंट था कि पोइट्री एंड पेंटिंग दोनों क्या कर सकते हैं, रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, उन्होंने कहा कि पेंटिंग सिंस द इट अपील्स टू द अंडरस्टैंडिंग, जो पोइट्री है वो अंडरस्टैंडिंग को अपील करती है, और जो पेंटिंग है वो प्राइमरी टू द सेंसेस को अपील करती है। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने पेंटिंग के लिए क्या कहा, और उन्होंने जो पोइट्री के लिए सॉरी उन्होंने पोइट्री के लिए पोइट्री किस चीज़ को अपील करती है, वो अपील करती है अंडरस्टैंडिंग को। ऑलराइट, एंड जो पेंटिंग है वो किसको अपील करती है, वो करती है सेंसेस को। सो लेट्स कम टू दिस वन अबाउट पोइट्री। ही पॉइंट्स आउट द मैनिफोल्ड ब्लेसिंग्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने पोइट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कही। इट नर्शित एंड इंस्ट्रक्ट्स आर यूथ, वो हमारी जो यूथ हैं उनको नरिश भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है। डिलाइट्स आर एस, और हमें कहीं ना कहीं डिलाइट करती है पोइट्री जब हम सुनते हैं, हाँ अच्छा फील होता है। अडोन्स आर प्रॉस्पेरिटी, कम्फर्ट्स आर एडवर्सिटी, और जो हमारी एडवर्सिटी है बुरे दिनों में हमें कम्फर्ट करती है। एंटरटेन्स अस एट होम, कीप्स अस एज कंपनी अब्रॉड एंड ट्रेवल्स विद अस, वॉचेस डिवाइड्स द टाइम्स ऑफ आर और अर्नेस्ट एंड स्पोर्ट्स, शेयर इन आर कंट्री रिसेसेस एंड रिक्रिएशंस इन सो मच एज द वाइजेस्ट एंड बेस्ट लर्निड हैव थॉट हर एंड एब्सोल्यूट मिस्ट्रेस ऑफ मैनर्स एंड नियरेस्ट किन टू वर्च्यू। तो उन्होंने इसको, जैसे कि बाकी लोगों ने कहा था कि जो वर्च्यू है इसके अगेंस्ट, जैसे प्यूरिटन्स ने कहा था कि प्यूरिटन्स, आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिटन्स ने इसे क्या कहा था, अगेंस्ट वर्च्यू कहा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैनर्स एंड ये क्या है, वर्च्यू का नियरेस्ट किन इसको बताया था, द पोइट, उसके हिसाब से जो पोइट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, इट वॉज बेन जॉनसन। सो बेन के अकॉर्डिंग जो था, द पोइट हैज़ अ गॉड इन हिम, एक जो पोइट होता है उसके अंदर क्या होता है, भगवान होता है, एंड ही हैज़ अबंडेंट पोर्शन ऑफ डिवाइन वेल्थ, और उनके अंदर क्या होते हैं, डिवाइन वेल्थ होती है। मेयर एक्सीलेंस इन स्टाइल ऑफ वर्सिफिकेशन डज नॉट मेक अ पोइट। तो ध्यान रखिए कि बेन जॉनसन कह रहे हैं कि जो सिर्फ स्टाइल और वर्सिफिकेशन सीखने से कोई पोइट नहीं बनता है। पोइट्स आर नॉट बॉर्न एवरी ईयर, और उनका एक कोटेशन है कि पोइट्स आर नॉट बॉर्न एवरी ईयर, पोइट्स क्या नहीं होते, हर साल जन्म नहीं लेते। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, एंड बोला भी जाता है हिंदी में, पोइट्री में बोला जाता है कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। ऑलराइट, सो लाइक दैट बेन जॉनसन भी यही कह रहे हैं, द पोइट मस्ट हैव नेचुरल और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट, और ये मैं भी मानता हूँ कि जो पोइट है उनके अंदर एक नेचुरल और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होता है, एंड कांस्टेंट एक्सरसाइज और प्रैक्टिस उनको करनी पड़ती है। जब आप पहली बार पोइट्री लिखते हैं और आपकी जो 50 टाइम्स के बाद आप पोइट्री लिखते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इमिटेशन और द एबिलिटी टू ड्रॉ ऑन मॉडल्स, और मॉडल्स पे क्या कर सकते हैं, इमिटेशन करके कुछ लिख सकते हैं। वाइड स्टडी एंड नॉलेज, और पोइट्री लिखने के लिए आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एंड आर्ट, मास्टरी ओवर पोइटिक आर्ट एंड टेक्निक, और अगर आपको पोइटिक आर्ट और टेक्निक के बारे में पता है तो आप प्रोफेशनली लिख सकते हो। थियोरी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, तो उसके बाद उन्होंने बात की कि क्लासिकल लिटरेचर के बारे में, दी एंशंट आर्ट वी रिगार्डेड एज गाइड्स नॉट कमांडर्स, और यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही कि जो एंशंट्स हैं उनको हमें एज अ गाइड्स फॉलो करना है, एज अ कमांडर उनको हमें फॉलो नहीं करना है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। अब ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी हम बेन जॉनसन की बात करें कि ट्रेजिडी के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे, जैसे कि अगर हम देखें कि सिडनी ने ट्रेजिडी के बारे में कुछ नहीं कहा, यहाँ पर क्या है कि ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड वॉज एरिस्टोटलियन एंड क्लासिकल फ्रॉम बिगनिंग, एंड ही पेज मोर अटेंशन टू कॉमेडी देन दैट ऑफ ट्रेजिडी, उन्होंने भी ट्रेजिडी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि जो ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म था इंग्लैंड में वो क्या था, आपका एरिस्टोटलियन था। एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ थे ट्रेजिडी के बारे में, वो क्योंकि
एरिस्टोटल ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे, पिछली वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ट्रेजडी के बारे में। उन्होंने कहा भी था कि बेस्ट फॉर्म जो है ट्रेजडी है, और ट्रेजडी के को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो उस सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो आप लोग देखिए उस वीडियो को। तो यहाँ पर जो बेन जॉनसन है, उन्होंने क्या किया, फोकस किस चीज़ पर किया था, उन्होंने किया था कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस किया था बजाय ट्रेजडी के। जॉनसन मॉडल इज़ ऑरिटोरियल एंड सेंशियस, ट्रेजडी ऑफ सेनिका। और उन्होंने ट्रेजडी ऑफ सेनिका के बारे में उन्होंने उसको अप्रूव किया था, या वो कहें कि उसको फॉलो करने के लिए कहा था, विद इट्स हिस्टोरिकल प्लॉट्स एंड इट्स पर्सन्स ऑफ हाई स्टेट। और उन्होंने कहा था कि जो हिस्टोरिकल प्लॉट इसमें होने चाहिए और हाई स्टेट के जो लोग हैं उन पे क्या होना चाहिए, ट्रेजडी कहीं ना कहीं बननी चाहिए कॉमेडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमेडी। कॉमेडी के बारे में उन्होंने क्या कहा, डिलाइट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी कैसी होनी चाहिए, उससे हमें डिलाइट फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। इट इज़ द ऑफिस ऑफ द कॉमिक पोइट टू इमिटेट जस्टिस, टू इम्प्रूव द मॉरल लाइफ। और जब हम जस्टिस को क्या करें, इमिटेट करें, और उसमें हमें मॉरल लाइफ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है किसी का, एंड प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टेट ऑफ जेंटल अफेक्शंस। तो ये उन्होंने कॉमेडी के बारे में कहा था कि हमें कहीं ना कहीं जो कॉमिक पोइट है उसे क्या करना है, जस्टिस को इमिटेट करना है, मॉरल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी के अंदर जो जेंटल अफेक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करना है, उनको स्टिर अप करना है। देन द लास्ट वन इज़ हियर द यूनिटीज़। जैसे कि ट्रेजडी के बारे में उन्होंने कहा था एरिस्टोटल ने, उसी तरह से बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं, ही इज़ लेस स्ट्रिक्ट देन सिडनी। और अगर हम कहें कि वो सिडनी से ज़्यादा क्या थे, कम स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, एंड ही लेस पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन द यूनिटी ऑफ एक्शन। और उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में बात की, आई प्लॉग टू वॉलपोन ही बोस्ट दैट ही फॉलोड ऑल द लॉज ऑफ रिफाइंड कॉमेडी। और उन्होंने इन सॉरी इट वॉज नॉट आई बट इट वॉज इन इन प्लॉग टू वॉलपोन, उन्होंने जो वॉलपोन जो बेन जॉनसन का ही वर्क है, उसमें उन्होंने क्या कहा था, इसकी आपको समरी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क है बेन जॉनसन का। तो उन्होंने अपने लिए कहा था, अपने लिए लिखा था वॉलपोन ने, वॉलपोन वर्क में उन्होंने जो प्रलॉग है उसमें लिखा था कि उन्होंने सारे जितने लॉज ऑफ रिफाइंड कॉमेडी होते हैं उनको उन्होंने फॉलो किया था। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम कहें कि जो जॉनसन, अब बेन जॉनसन की बात हम बात कर चुके हैं, और ड्रेडन के बीच की हम बात करेंगे, तो इसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, बैटरी थोड़ा लो हो गई है, तो फिलहाल हम यहाँ तक इसे डिस्कशन कर लेते हैं, एंड ओके थोड़ा सा ये फिनिश ही होने वाला है, सो हम यहाँ तक नोट्स डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसे कनेक्ट कर लिया जाए एंड देन वी कैन गो अहेड। ओके लेट्स स्टार्ट इट अगेन फ्रॉम हियर। वी वर हियर न्यू क्लासिक क्लासिसिज्म और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बिटवीन जॉनसन एंड ड्राइडन, इसके बीच की हम जो न्यू इस टाइम ड्यूरेशन को ही न्यू क्लासिसिज्म बोला जाता है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। सो आफ्टर बेन जॉनसन लिटरेरी एक्टिविटीज इन इंग्लैंड सफर्ड अ सीरियस सेटबैक। जो बेन जॉनसन थे उनके तुरंत बाद अगर हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो काफ़ी कम हो गई थी। एंड बिटवीन जॉनसन एंड ड्राइडन देयर इज़ हार्डली एनी क्रिटिक वर्थ द नेम। और जॉनसन और ड्राइडन के बीच में कोई ऐसा हमें पर्टिकुलर कोई क्रिटिक देखने को मिलता नहीं है। एवरी ईयर वॉज स्पेंट इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी। और बेन जॉनसन के बाद आप देखेंगे, हम बात भी करेंगे, अभी हिस्ट्री में मैंने पूरी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कि जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज उसमें चल रही थी। विद रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड पीस वॉज इस्टेब्लिश। और जो रेस्टोरेशन एज इसके बाद आती है उसमें चार्ल्स सेकेंड को रिस्टोर कर दिया जाता है और पीस वापस इस्टेब्लिश किया जाता है। देन नाउ क्लाइमेट वॉज फेवरेबल फॉर लिटरेरी एक्टिविटीज़। और जो क्लाइमेट है वो अब लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए शुरू
अच्छा हो जाता है. सेंसुअस एंड रोमांटिक इटालियन इन्फ्लुएंसेस वाज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेंच.